गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम क्वेश्चंस देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चंस है कि x ऑफ t इक्वल टू दिया हुआ है e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी वेयर a ग्रेटर देन जीरो। देन हमें फाइंड करना है x ऑफ ओमेगा, ठीक है, टाइम डोमेन टू फ्रीक्वेंसी डोमेन, मतलब हमें क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। तो अब ये e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी है, इसका हमें फ्रीक्वेंसी में करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी का क्या होता है फोरियर में। तो e टू द पावर माइनस ए टी यू टी का हमने बताया था 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर नहीं समझ में आता है तो इसको क्या कर सकते हैं, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म जैसे स्टेप था उसके अकॉर्डिंग समेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी करेंगे, निकालेंगे तो सेम चीज़ आएगी, ठीक है। ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी के लिए 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा, ओके। अब इसी को अगर ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ टी की जगह पे माइनस टी कर दें, टाइम का रिवर्सल कर दें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पे माइनस होगा सेम फ्रीक्वेंसी यहाँ पे भी माइनस हो जाएगी, a माइनस जे ओमेगा, क्लियर है। तो e टू द पावर माइनस ए टी यू टी जब भी होगा तो 1 अपॉन a प्लस j ओमेगा होगा, e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी होगा, तो यहाँ माइनस आया तो यहाँ पे भी क्या कर देंगे, फ्रीक्वेंसी की जगह पे माइनस कर देंगे, क्लियर है। तो हमें e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी फाइंड करना था, ये हमें फाइंड करना था, इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक है। यही हमारा फ्रीक्वेंसी में क्या हो गया, एक्स ऑफ ओमेगा हो गया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं, और वो सेकेंड क्वेश्चन की जो फाइनल कंक्लूजन रिजल्ट होगा वो हमें याद रखना है, वो आगे हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है वाई ऑफ टी इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी, ठीक है, वेयर ए ग्रेटर देन ज़ीरो। देन हमें फाइंड क्या करना है, वाई ऑफ ओमेगा, ठीक है, हमें वाई ऑफ ओमेगा फाइंड करना है। यहाँ पे यू ऑफ टी भी है, ठीक है। तो ई टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी, मॉडुलस टी का मतलब क्या हुआ कि अगर टी की वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे ई टू द पावर माइनस ए टी आएगा, ठीक है। यहाँ कंडीशन देख लेते हैं कि अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ए टी, टी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है इसलिए टी पॉजिटिव आया, माइनस तो पहले से था यहाँ पे, ठीक है, और यू ऑफ टी, ठीक है, यू ऑफ टी, क्योंकि टी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है। अगर टी की वैल्यू यहाँ पे लेस देन ज़ीरो हो जाए, ठीक है, टी की वैल्यू जब हमारी लेस देन ज़ीरो होगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर ए टी यू ऑफ माइनस टी, क्लियर है। यहाँ पे सॉरी यहाँ माइनस होगा, रीज़न कि अगर मॉडुलस टी है, मॉडुलस टी में अगर टी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो है तब भी ये टी ही आएगा, ठीक है, अगर टी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तब भी ये टी आएगा, क्योंकि निगेटिव साइन यहाँ रखने पे मॉडुलस निगेटिव रखने पर वही आता है टी वैल्यू, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों की वैल्यू क्या आएगी, टी ही आएगी मॉडुलस में, ठीक है। तो अब यहाँ पे e टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी यू टी की जगह हम इन दोनों का सम लिख सकते हैं, क्योंकि टी की दो कंडीशन हमने लिखी यहाँ पे, एक बार अगर टी ग्रेटर देन ज़ीरो है तब की कंडीशन लिखी, एक बार टी लेस देन ज़ीरो की है तब हमने क्या लिखा है, यहाँ पे तो मॉडुलस है तो इससे निगेटिव साइन का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे टी की जगह लेस देन ज़ीरो का मतलब यहाँ पे माइनस लिखेंगे, ठीक है। अब e टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी यू टी, इसकी जगह पे इसको लिख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस ए टी यू टी प्लस e टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ
माइनस टी, ठीक है, ये लिख सकते हैं, क्योंकि ई टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी, मॉडुलस होने की वजह से दो कंडीशन आएगी, क्योंकि मॉडुलस में क्या है कि टी की वैल्यू लेस देन रखेंगे तब भी टी मिलेगा, टी की वैल्यू ग्रेटर देन रखेंगे तब भी टी मिलेगा, दो कंडीशन मिली। बट यू ऑफ टी की जगह पे, एक जगह जब टी ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ तो टी रहेगा, लेकिन जब टी लेस देन जीरो है तो यहाँ पे माइनस टी हो जाएगा ना, तो इसलिए दो हमारे पास मिलेगा, इस ये दो मिलेगा। ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी, ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का क्या होता है, वन अपॉन ए प्लस जे ओमेगा प्लस ई टू द पावर माइनस ए टी यू ऑफ माइनस टी, इसका क्या होता है, वन अपॉन ए माइनस जे ओमेगा, क्लियर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी फॉर्म है, ए प्लस बी ए माइनस बी का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। जब ओमेगा स्क्वायर होगा तो यहाँ पे ओमेगा ये टोटल है तो जे स्क्वायर हो जाएगा, जे स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन मतलब ये यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब ए प्लस, ये ए प्लस जे ओमेगा भी है, ए माइनस जे ओमेगा है, जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस जे ओमेगा आएगा, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ए माइनस जे ओमेगा है तो यहाँ पे आएगा ए प्लस जे ओमेगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, ई टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी यू ऑफ टी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, टू ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये जो फाइनल रिजल्ट है, ये फाइनल रिजल्ट हमें याद रखना है कि ई टू द पावर माइनस ए मॉडुलस टी यू टी का क्या होता है हमारे पास, 2a अपॉन ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्योंकि जब हम ड्यूअलिटी यूज़ करेंगे, अभी ड्यूअलिटी इसके बाद स्टार्ट होगा लेक्चर, जब ड्यूअलिटी हम यूज़ करेंगे तो उसमें ये सब आएगा यहाँ पे, तो उसकी ड्यूअलिटी, इसकी ड्यूअलिटी फाइंड करनी होगी, तो उसकी जब हमें ये पता होगा तब हम ड्यूअलिटी उसकी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि ड्यूअलिटी में क्या होगा कि अगर हमें इसका यही नहीं पता कि फ्रीक्वेंसी में क्या इसको लिखा जाता है, तो पहले हम इसका फ्रीक्वेंसी में लिखेंगे फिर उसके ड्यूअलिटी लिखेंगे, तो डबल काम हो जाएगा। इसलिए इसका हमें स्टैंडर्ड याद रखना है ताकि हम ड्यूअलिटी में आसानी से, नहीं भी अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे सॉल्व करके भी देख सकते हैं, क्लियर है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम प्रॉपर्टी और ड्यूअलिटी स्टार्ट करेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू।